कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैं तो अटेम्प्ट किया हूँ 91। 91 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी मेरी 90% है। 90% होगी। अब इतना मैं बहुत आराम से कलेक्शन, हाँ मैं एक साल से प्रिपरेशन में कर रहा था। एक साल CHSL मैंने दिया था लेकिन वो मेरा थोड़ा खराब चला गया था। खराब नहीं गया था, मोटेट था, लेकिन उसमें मेरे GS में नंबर काउंट हो गए, लेकिन ये मेरा सही हो गया। तो इसमें आपको सबसे ईजी क्या लगा था? सबसे मुझे तो मैं सही बताऊँ सबसे ईजी तो मुझे लगा इस बार रीजनिंग सबसे ईजी, और उसके बाद इंग्लिश। हाँ, और मैथ में लेवल मॉडरेट ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो पिछले 4-5 महीने तैयारी करें उनका आराम से कर लेंगे, अगर उनकी स्पीड सही रही तो मतलब सही कर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज किया, मैंने पहले 12 मिनट में GS किया, उसके बाद मैंने 25 मिनट में रीजनिंग कर दिया, उसके बाद जो मैं टाइम घर से सोच के आता, जो मैं प्रैक्टिस मॉक में करता था, बिल्कुल सेम। हाँ, और उसके बाद मैंने 30 मिनट में मैथ किया, आखिरी में मेरे पास 3 मिनट बचे थे, उसमें मैंने रिव्यू भी सारा कर लिया, पूरा देख लिया, और 20 मिनट में मैंने इंग्लिश कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नया ही दे रहा है अभी करंट का ही, और बुक्स एंड ऑथर में नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे गांधी जी का पूछा गया कि गांधी जी की बुक का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यही था। और बाकी तो बुक का एक ही क्वेश्चन था, बाकी GK एकदम नॉर्मल ही आया, MTS में नॉर्मल है इस क्षेत्र में। हाँ, CHSL में बहुत टफ GS था, बहुत हार्ड था GS उसमें। हाँ नहीं, डांस से क्वेश्चन तो, हाँ एक क्वेश्चन था, और टेम्पल से भी क्वेश्चन आ रहे थे कि ये मतलब कि ये मंदिर कहाँ पे है, किस कौन से स्टेट में है टेम्पल। हाँ ये पूछा था, और उसमें ऑप्शंस में इतनारेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, और ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। हाँ, और इसका वेस्ट बंगाल है जहाँ तक। स्पोर्ट्स, हाँ ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता था, 2021 वाला। अच्छा, 2021 में। अच्छा, जैसे कि आप नृत्य का बता दिए। हाँ, नृत्य का बता दिए ना। हाँ, जैसे टेम्पल का भी बता दिए। आप जैसे बताइए कि इंग्लिश का जो इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश में भी नॉर्मल वो कैब वगैरह आ रही है, सिनोनिम एंटोनिम भी, जैसे VCCS का सिनोनिम पूछा, हाँ, और स्टर्ड का पूछा, एंटोनिम में, एंटोनिम भी मतलब नॉर्मल था, EDM फ्रेजेस में भी नॉर्मल ही पूछा है, और जो PQRS तो आया ही नहीं इसमें, मेरे में क्लॉज टेस्ट था, लेकिन क्लॉज टेस्ट भी नॉर्मल था, बस उसमें एक क्वेश्चन लेकिन हार्ड था क्लॉज टेस्ट में, सही था लेकिन। और भैया जनगणना कोई क्वेश्चन दिखाओ। नहीं, उसका तो कोई क्वेश्चन मेरे पे नहीं था। मेट्रो पॉपुलेशन, अच्छा हाँ मेट्रो पॉपुलेशन, हाँ यस इन्होंने, हाँ एक क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन, हाँ था। और क्या पूछा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? हाँ सब नहीं, मेट्रो सिटी में जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, 2011 में कौन सा था, 11 में ही ना, वही जनगणना हुआ था। हाँ वही हाँ।